तैयार हो गई। रॉकस्टार रॉकी और मिस ब्यूटीफुल आते ही होंगे। आज तो मीटिंग में मजा आने वाला है। शर्मिला, हम सब छुप तो गए मीटिंग की बातें जानने के लिए, पर मीटिंग कब है? 2 बजे है शायद। 2 बजे? मुझे कोई बताएगा क्या अभी कितने बजे है? हाँ तो मोबाइल है ना तुम्हारे पास, देखो उसमें पागल को एक ही। तू पागल? हाँ। समझा करो सुमित्रा, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा मोबाइल तक। टॉर्च तो लगा दी पर गिर गया मोबाइल। तुम्हें बड़ा शौक था अलमारी में घुसने का। शशि बहन हंसिए मत, बाहर आवाज चली जाएगी। वारे वाह, तुम दोनों गले फाड़ रही हो, वो किसी को सुनाई नहीं देगा, पर मेरे प्यारे सी हंसी सबको सुनाई देगी। क्यों? क्या बोली आप? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अब नहीं आएगा तुमको सुनाई। बस बस, दोनों अपना मुंह जरा कंट्रोल में रखो। पहले खुद के मुंह को देखो, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है वो। शशि बहन क्या बोली आप? वो बोली तुम्हारा मुंह आउट ऑफ कंट्रोल है। शर्मिला बहन, ये तुमको बड़े अच्छे से सुनाई दिया। मेरा मुंह कंट्रोल में है, समझी ना आप? दिख रहा है वो? हाँ देख लीजिए, जीव भर के देख लीजिए मेरा मुंह। फिर से आपको ऐसा मुंह नहीं दिखेगा पूरी दुनिया में, क्योंकि मेरा मुंह ब्रांडेड, मेरा पति ब्रांडेड, मेरी बेटी ब्रांडेड, सास नहीं ब्रांडेड, इग्नोर हर। इनका मुंह तो चलता ही रहता है। श्रेया की दादी बराबर कहती है, सीमेंट लगा के बंद करना पड़ेगा। शांत बैठो, तुम दोनों चाहते हो क्या हमारा पेन खराब हो? ना रे, बिल्कुल नहीं। तो मुंह जरा बंद रखो अपने। दूसरों के मुंह बंद करो, तुम खुद का मत करो। पहले मुझे ये बताओ कितने बजे? मेरे पास है मोबाइल, मैं देखती हूँ। शशि बहन, तो अब तक आप क्या कर रही थी? टाइम पास। कितने बजे शशि बहन? 1 बज रहे। आगो भाई, अभी मीटिंग के लिए 1 और घंटा बाकी है। ये बाबू, अरे बाप रे, अभी तो 1 घंटा और बैठने हमको यहाँ पे। बोर हो रही हूँ, चिप्स की याद आ रही है, एक आध पैकेट लाती तो अब तक खाती। सुमित्रा दरवाजा खोलो। क्यों? खोलो तो जरा। बैठो बैठो और बैठो। सुमित्रा जल्दी खोलो। आ रही हूँ, रुको, रोना मत शुरू कर देना। शुक्रिया। क्या हुआ, खोलने के लिए क्यों बोला? सुमित्रा मैं इंसान हूँ, सामान नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। टॉयलेट की बात कर रही होगी वो। एक काम करते, जिसको जो जो करना है वो सब करके आओ, अभी 1 और घंटा हमको यही पे बैठना है। बराबर कहा शर्मिला बहन ने। मैं भी सब करके आती हूँ। तुम दोनों कहाँ मेरे साथ आ रही हो? अपने अपने घर जाओ। जाने के लिए जा सकती हूँ, पर मेरा घर ऊपर, अभी ऊपर जाऊंगी, दरवाजा लगा हुआ है, कड़ी खोलूंगी। बराबर बराबर, अभी आती हूँ मैं। अरे सुमित्रा, तुम्हारा घर तो पास में ही है। जाने के लिए तो जा सकती हूँ मेरे बाथरूम में, पर अगर जाऊंगी तो चिप्स लेके आऊंगी। ठीक है, यही करो। बहू, तो शॉपिंग के लिए जाने वाली थी ना? हाँ जा रही हूँ ना, जा रही हूँ, अभी तैयारी कर रही थी इसलिए मैंने सुमित्रा को बुलाया। क्यों सुमित्रा? कहा? मैंने तुमको बताया था ना, हम जा रहे 55 गली नंबर झिलमिल रोड के पास है वो। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ इस गली का नाम। कौन सी गली है ये? क्या बोल रही है ये? इसको तो कुछ नहीं पता। सुमित्रा बहन, शर्मिला बहन का और मेरा पहले से प्लान था शॉपिंग जाने का, सुमित्रा बहन को नहीं बताया था। अच्छा, शॉपिंग का प्लान तुम दोनों का हो चुका था, क्या मुझे नहीं बताया? आगे से ऐसा नहीं करने का, पहले मुझे बताने का। मैं भी आती हूँ सब सामान लेके, जा रहे हैं हम शॉपिंग के लिए। वो सब तो ठीक है, पर ये हमारे बाथरूम में क्या कर रही है? सासू माँ, वो उसका घर लॉक करके आई है, तो मैंने कहा हमारा यूज कर लो। अब कहाँ ऊपर जाएगी, कहाँ कड़ी खोलेगी, अंदर जाएगी, इसलिए। चलो मिस ब्यूटीफुल को कॉल करती हूँ। शशि बहन आप जाके छुप जाइए। हाँ बोलिए श्रेया की दादी। जल्दी आ जा हमारे घर, मेरी बहू शॉपिंग के लिए जा रही है, मौका अच्छा है, अभी कर लेते हैं मीटिंग। हाँ मैं तैयार हूँ। अच्छा है, वो वहां पे बिजी है। हो गया, जाओ आओ। तुम जाके छुप जाओ, तुम आने के बाद जाते हैं, दोनों साथ में छुपेंगे। ठीक है, करो मेरा इंतजार। ससमा क्या कर रही है? पिक्चर क्यों नहीं ठीक आ रही मेरी? बुढ़िया पिक सेशन में बिजी है। चलो अच्छा है।
अच्छा सुनो ना, क्या हुआ? मैं ससुमा से बात करके आती हूँ। सास के बिना मन नहीं लगता इसका। ससुमा जा रही हूँ, बरका जा जा जल्दी जा। बाय, ख्याल रखना अपना। मेरी प्यारी बहनों, जल्दी से बाहर निकलो, चलो जाते हैं हम शॉपिंग के लिए। मैं प्रियंका। सच बहन, वो मेरी जगह उठी है वहां से। सर मिला बहन, बैठने दो ना, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहू तो अब तक गई नहीं? जा रही हो तो माँ, वो पर्स भूल गई थी। सुमित्रा मेरा दरवाजा लगाओ, फिर तुम नीचे घुसना। सच बहन घुस जाइए अब। मुझे तो एकदम चूहे जैसा लग रहा है। जो जैसा है उसको वैसा ही लगेगा। ये क्या लटक रहा है शर्मिला तुम्हारी खटियाओं पे? कितनी गंदगी है। अच्छी, मैं आइंदा से फिर कभी इस जगह पे नहीं बैठूंगी। मेरी वजह से तो ये ब्रांडेड हो गई। मेरे बाद कोई भी बेटा फेमस ही होने वाला है। मैं जो बैठ गई बात था। कितना बोल रही हो दोनों? सुमित्रा बहन, हाँ सॉरी सॉरी। मैं क्या पागल हूँ जो इतनी देर से बोल रही हूँ मत बोलिए मत बोलिए मत बोलिए? नहीं, किसी की सुननी नहीं है, खुद की करनी है। अरे शांत, पहले खुद का मुंह बंद रखो, बाद में दूसरों को करना। रॉकी क्या हुआ? स्वीट दादी ने कहा है उनकी बहू बाहर जा रही है, मौका अच्छा है मीटिंग रखने के लिए, तो उन्होंने हमको जल्दी बुलाया है। ओके, मैं तैयार होता हूँ। तैयारी? तुमको क्या लगता है शर्वरी, सिर्फ लेडीज लोग तैयार होती है? हम भी तैयार होते हैं। जल्दी से करो, देर हो जाएगा। मेरा मन तो कर रहा है जोया को बता दूं। ना, अभिजीत की दोस्त है वो, और वो भी मुझसे पहले। वो जरूर अभिजीत को बता देगी। रॉकी जल्दी करो। यस यस शर्वरी। शोना, वैसे अभी तो कोई नहीं है, फिर भी हमें एक्टिंग करती रहनी चाहिए। इस सोसाइटी की औरतें बड़ी चालू है, दरवाजे पे कान लगाती है, समझे रॉकी बेबी? चलो देर हो रहा है, चलो। हाउ मिस ब्यूटीफुल। हेलो शुरा की दादी। हे रॉकस्टार रॉकी। हेलो स्वीट दादी, गुड आफ्टरनून। आओ ना अंदर। आओ क्या बड़ी मलकिन? गंगू बेटा आ जा। गंगू बेटा सुन, हम बेडरूम में बैठ रहे, तू हॉल की सफाई कर। बड़ी मालकिन, पर मैं रोज सबसे पहले बेडरूम में साफ करती हूँ। हाँ, पर आज हमारी बेडरूम में मीटिंग है। कैसी मीटिंग? तुझे क्या करना है? भैया मैं क्या करूँगी जानकी, मुझे नहीं जाना, वो बेडरूम में सबसे ज्यादा राड़ा होता है ना, इसलिए एक बार वो हो गया तो मेरा टेंशन जरा जाता है। चल ठीक है, तू बेडरूम में जा, हम बैठते हॉल में। चल ठीक है। बैठो सोना, बैठो रॉकस्टार बेबी। बाय द वे, मुझे रॉकी बेबी नाम काफी अच्छा लगा शर्वरी। हाँ मिस ब्यूटीफुल, क्या नाम दिया है तूने उसको, रॉकी बेबी? मुझे तो लगा भी नहीं था कि इतना फेमस हो जाएगा, ऐसे ही बोल दिया रॉकी बेबी, फेमस भी हो गया। तेरी तो हर चीज फेमस है, मैं पहले से बोलती आई हूँ, सोसाइटी की शान है तू, हम सबकी नाक। क्या अभी तुमको सोना पसंद आया? ना। क्यों? पता नहीं, पर मुझे सोना सोना अच्छा नहीं लगता। मैं दो दिन शर्वरी के साथ रहा हूँ और मैंने नोटिस किया है उसका जो होता है वो सब अच्छा, बाकियों का बुरा। उरी बाबा? क्या उरी बाबा, मैंने तुमको देखा है शर्वरी, दिस इज नॉट गुड। मेरा नाम भी अच्छा है ना स्वीट दादी, सोना कितना क्यूट लगता है। सॉरी मिस ब्यूटीफुल, बट आई अग्री विद यू रॉकी, मुझे भी काफी अच्छा लगा सोना। देखो अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आता तो मैं ना ही बोलती हूँ, नहीं पसंद आया मुझे सोना। नहीं मानेगी वो, शी इज वेरी मच जिद्दी। गंगू भाई आ रही है। काम काम काम, सबसे ऊपर मेरा नाम। भैया क्या रूम कर दिए, कितने गंदे रहते हैं लोग, सारा मुझे ही करना पड़ेगा। चुनरी किसकी गिरी है नीचे? भैया कपड़ों की तो कदर भी नहीं है, जमीन पे डाल देते। मेरे चुनरी धोना पड़ेगा इसको, गंदा हो गया।
तको भैया साड़ी भी है। साड़ी छोड़, अरे छोड़ जाएगी मेरी साड़ी। औरत ही औरत की साड़ी के ऊपर हाथ डाल रहे। अरे साड़ी छोड़, छोड़ जाएगी मेरी साड़ी, बहुत मेहनत से बनाई है मैंने। दुपट्टा भी आया था बाहर। आता को भैया। गंगूबाई। भैया कपड़ क्या बता रहे, वहां पर भी कोई है क्या? बड़ी मालकिन। गंगूबाई शांत शांत, एक डील करते हैं। अगला एक हफ्ता तुम काम पे नहीं आओगी, मैं तुम्हारा एक रुपया भी कट नहीं करूंगी। गंगूबाई मैं तुमको 2 वीक छुट्टी दूंगी, प्लीज किसी को बताना मत यार। ये वाला बोनस भी और न्यू ईयर का बोनस भी चाहिए मुझे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। पर तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोलिए। सासू माँ हॉल में मीटिंग कर रही, उनकी मीटिंग यहाँ पे भेज दो। अभी तो मैंने उनको वहां पे भेज दिया है, वापस कैसे लाओ? वो मैं नहीं जानती, तुमको करना पड़ेगा नहीं तो बोनस कैंसिल। ठीक है आप कोई चिंता मत कीजिए, सारा गंगूबाई के ऊपर छोड़ दीजिए, अभी भेज देती हूँ उनको मैं। ए दरवाजा लगा के जाओ। बड़ी मालकिन। ओ बड़ी मालकिन, तुझे बोला है ना अंदर इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। सॉरी सॉरी, आप वहाँ पे जाइए, मेरा वहाँ का हो गया है। इतनी जल्दी? हाँ बहुत जल्दी कर दी मैंने, आज मैं जरा जल्दी में हूँ, यहाँ की करनी है। बाहर आइए ना, आप वहाँ पे जाके बैठिए। ओफो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, चलो बेडरूम में चलते हैं। ठीक है आओ। क्या आओ भाई को मजा। आओ कोई श्रेया की दाती, क्या मस्तानी चाल है बुढ़िया के। आइए आइए, नए नवेले कपल का स्वागत करती हूँ मैं, लैला परवीन। वाह क्या वॉक है तेरी, मॉडल को फेल कर देगी। मॉडल ही बन जाऊं, 5 साल से भटक रही है, अब तक जॉब नहीं लगी। मुझे भी सीखना है ऐसी वाली वॉक। आपको सीखनी है इस उम्र में? क्या कहना है तुझे, मेरी इतनी उम्र हो गई है, अभी भी जवान हूँ मैं। ना ना मैं वैसा नहीं बोल रही, वो कमर दुखती रहती है ना आपकी तो। नहीं नहीं कमर का दर्द कब का ठीक हो गया, तू मुझे सिखा ऐसी वाली वॉक। ठीक है जरूर सिखाऊंगे। अभी इसी रूम में करते हैं मीटिंग, थोड़ी सी छोटी है, सॉरी फॉर दैट, एडजस्ट कर लेना तुम दोनों। कोई बात नहीं श्रेया की दादी, एडजस्ट कर लेते हैं। मिस ब्यूटीफुल तुम खटिया के ऊपर बैठ जाओ, रॉकस्टार तुम बैठो उस चेयर के ऊपर, मैं टेबल के ऊपर बैठ जाती हूँ। श्रेया की दादी आप मेरे पास आके बैठ जाइए। नहीं नहीं तेरे लिए तो पूरी खटिया कम बढ़ जाएगी, रानी है तू रानी, ऐसे पैर पसार के बैठ, मैं बैठ जाती हूँ टेबल के ऊपर। अगर आपने ऐसा किया तो मैं अभी उठ रही हूँ। बैठ नीचे बैठ, बहुत मार खाएगी तू, बैठ रही हूँ ना मैं टेबल के ऊपर, तू बैठ वहीं पे। ये तो मेरे ऊपर ही आ गई, दरवाजा बंद कर देती हूँ, टेबल के ऊपर बैठ जाती हूँ। कमर का दर्द नहीं मानोगी ना आप, मन तो करता है ऐसी बुक्की मारो नीचे से ऊपर चली जाए फिर वापस ही ना आए। अभी बोला था नहीं दुख रहा, शुरू हो गया फिर से। क्या श्रेया की दादी खटिया के ऊपर इतनी सारी जगह तो थी। पता है मुझे खटिया के ऊपर जगह है, ऊपर क्या नीचे भी जगह है। आपको पता है बचपन में मैं और अभिजीत खटिया के नीचे घर घर खेलते थे। श्रेया अनुष्का छोटी छोटी थी ना पहली दूसरी में, स्कूल से आने के बाद खटिया के नीचे घुस जाती थी और फिर उनकी वो भातुकली उसके साथ खेलती रहती थी। पर अब क्या श्रेया भी बड़ी हो गई, अनुष्का भी बड़ी हो गई, इसके नीचे कौन जाएगा? अनुष्का की मम्मी कहे बुढ़िया खटिया के नीचे ना आ जाए। अब तो उसके नीचे कुछ नहीं मिलता छुछुंदर के अलावा। उरी बाबा छुछुंदर? डर मत अभी इतने नहीं है, एक आध होगा छुप के बैठा होगा कहीं पे, जाने दे उसको बैठने दे, हमारी वजह से क्यों तकलीफ, हम हमारी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। बच गई मैं तो। चलो अब शुरू करते हैं हम हमारी मीटिंग, सबसे पहला टॉपिक। तू छीकी? ना मैं नहीं छीकी। रॉकी तू छीका? ना मैं नहीं छीका। इस रूम में हमारे अलावा कोई है? है यहाँ पे कोई? फिर दावी टेबल के नीचे से आवाज आए। कोदीड़ा रॉकी मेरे नीचे। शशि
बाबू तेरी मिस ब्यूटीफुल तेरे नीचे देख। सुनी बाबा जेने की दीदी सुमित्रा क्या है छुछुंदरी कहाँ घुस रही है अंदर तू बिल पे आजा बाहर तेरी तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में छुपने की जरूर ये तुम्हारी कैप्टन का काम होगा का है वो मुझे नहीं पता बोल बोल का है तेरी सहेली मुझे नहीं पता इनको क्या पता होगा जा तू आगे जा रही है दरवाजा यहाँ पे है चुंदरी है मेरी वहां पे पकड़े गए हम दोनों भी खुद तो सेफ जगह में बैठ गई हमको पकड़ा दी और नहीं तो क्या मेरी जगह तो बहुत अनसेफ थी ऊपर से श्रेया की दादी मेरे ऊपर बैठ गई मुझे तो पहले से ही पता था हम पकड़े जाएंगे भले ही मेरे दो खिलाड़ी आउट हो गए हो पर कैप्टन अभी भी खेल में है चलो कोई नहीं शर्मिला बहन अभी भी कबड़ में वो सारी बातें सुन लेगी देखते हैं क्या क्या सुनती है अभी अच्छे से पैक कर दिया है क्या औरत है तू क्या बोलती है वो बदमाश हाँ बदमाश औरतें अभी यहाँ पे कोई नहीं हम हमारी मीटिंग स्टार्ट करते हैं मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई और भी है क्या बात कर रही है हाँ मुझे अंदर से फील हो रहा है यार शर्वरी मुझे भी फील हो रहा है तुम्हें भी हो रहा है ना देखिए श्रेया की दादी डर लग रहा है मुझे अंदर से नहीं नहीं मुझे नहीं लगता आप कोई होगा हम हमारी मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं शुरू करो जल्दी शुरू करो तो सबसे पहला टॉपिक अलमारी से आवाज आ रही है फोन की शायद अलमारी में किसी का फोन होगा हाँ अलमारी में तो मैं भी फोन रखती हूँ कभी कभी नहीं मैं मेरे घर के लोगों को जानती हूँ एक से बढ़कर एक जोकर है मेरे घर में उसके अंदर कोई ना कोई तो होगा गए भैंस पानी में मेरे बेटे ने जिसके साथ लफड़ा की शादी करके घर में घुसाया है ना वही होगी अरे आठवा अजूबा है वो दुनिया का मैं आठवा तो आप नौवा अभी देखती हूँ खुल जा सिम सिम भगवान तूने तो सारी हदें क्रॉस कर दी अरे इतना क्या सुनना दूसरों की बातें जरा कम कर धत तेरी उसकी जगह मैं बैठती तो बहुत अच्छे से सुनती कुछ काम की नहीं है शर्मिला पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई तू इसमें घुस कैसे गई बहुत आसान है वो खुर्ची है लाल वाली वो ली मैंने उसके ऊपर में खड़ी रही और फिर एक पैर पागल औरत उतर नीचे अभी उतर